नमस्कार दोस्तों। तो आज के जो वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने मुझे ये चीज कहा था कि जो बिग बिलियन डे या फिर अमेज़न ग्रेट इंडियन सेल आने वाला है, इसमें स्मार्टफोन के साथ साथ जो एक्सेसरीज उसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलता है, और एक्सेसरीज के अंदर स्पेशली जो पावर बैंक उसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलता है। और ये एक्चुअली फैक्ट है कि चाहे आज के दिन में 3 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 5000mAh, 6000mAh कोई भी बैटरी वाला या फिर प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन हो, एक पावर बैंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो एप्पल अपना जो मैक सेव उसे लॉन्च नहीं करता। तो मतलब जो भी हो, अगर आप आज के दिन में एक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते तो एक पावर बैंक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्क्रीन प्रोटेक्टर या फिर केस। अभी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड की तरफ से डिफरेंट पावर बैंक अवेलेबल है। ऑब्वियसली हर एक प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं है या फिर हर एक प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट नहीं होगा, तो इसलिए इस वीडियो में आपको ऐसे टोटल 5 से 6 पावर बैंक के बारे में बताऊंगा जिसका प्राइस रहेगा 1000 रुपए के आसपास और जिसमें आपको 20000mAh बैटरी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त के आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज करना चाहूंगा, इस वीडियो में मैं आपको जो भी प्रोडक्ट दिखाऊंगा सभी प्रोडक्ट का बाइंग लिंक मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उधर से आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी देखिए, मार्केट से अगर हम कोई भी पावर बैंक चूज करना चाहते हैं तो इसमें हमें क्या क्या चीज देखना पड़ेगा। पहला जो चीज है वो इसका पोर्ट कितने सारे। जनरली हर एक पावर बैंक में आपको 4 पोर्ट मिलता है, 2 इनपुट पोर्ट, 2 आउटपुट पोर्ट। अभी जो इनपुट पोर्ट वो जनरली 2 टाइप का होता है, एक तो होता है माइक्रो यूएसबी पोर्ट, दूसरा होता है यूएसबी टाइप सी पोर्ट। अभी इसका एक रीजन है, क्योंकि देखिए ये जो पावर बैंक इसे चार्ज हम कैसे देंगे, ऑब्वियसली स्मार्टफोन का जो चार्जर उसके जरिए चार्ज देंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा पुराने जमाने का स्मार्टफोन है या 6000 रुपए के नीचे का स्मार्टफोन है तो आपके पास जो एडाप्टर या फिर जो चार्जिंग प्लग वो होगा माइक्रो यूएसबी वाला, लेकिन अगर आप उससे महंगे वाला स्मार्टफोन इस्तेमाल करते तो आपके पास होगा यूएसबी टाइप सी वाला। तो इसका मतलब एक पावर बैंक को चार्ज देने के लिए 2 टाइप का पोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है डिफरेंट यूजर के लिए। इसलिए जनरली हर एक ब्रांड आपको यूएसबी टाइप सी और माइक्रो यूएसबी 2 टाइप का इनपुट पोर्ट प्रोवाइड करता है। और अगर हम आउटपुट पोर्ट की बारे में बात करें, मार्केट में लगभग हर एक ब्रांड आपको 2 आउटपुट पोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा कि वो जो पावर बैंक जो दूसरे प्रोडक्ट को चार्ज देगा वो कितने स्पीड से चार्ज देगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है, कोई ब्रांड देता है 12 वाट, कोई देता है 18 वाट, कोई देता है 22 वाट के आसपास। नेक्स्ट हमें देखना पड़ता है एक पावर बैंक, देखिए 30000mAh का पावर बैंक अगर ये ब्लास्ट हो जाए तो मैं समझ सकते कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट ब्लास्ट ना हो तो इसके अंदर हमें कौन सा चार्जिंग प्रोटेक्शन या फिर चिप प्रोटेक्शन या फिर लेयर प्रोटेक्शन मिलता है वो सब भी हमें देखना पड़ता है। और पावर बैंक लेने के लिए जो आखिरी चीज देखना पड़ता है रेटिंग। अभी फॉर एग्जांपल ये जो पावर बैंक, ये चीज पकड़ के चलिए, ये पावर बैंक मैंने अमेज़न से लिया है, इसका रेटिंग कितना है, 4.2 out of 5, मतलब देखने से लग रहा है बहुत ही बढ़िया रेटिंग है। लेकिन ये चीज भी आपको देखना पड़ेगा कि वो जो 4.2 out of 5 रेटिंग है कितने लोगों के अंदर वो एवरेज हुआ है। मतलब फॉर एग्जांपल वो जो 4.2 वाला रेटिंग, अगर आपने देखा कि 200 300 या फिर 1000 या फिर 2000 लोगों के अंदर एवरेज हुआ है, तो मतलब उसे हम ये चीज नहीं कह सकते कि वो जो प्रोडक्ट वो बहुत ही बढ़िया है। हमें एक्चुअली ऐसे कुछ प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा जिसका रेटिंग शायद 4.24 से ज्यादा नहीं है, अगर 3.9 3.8 भी होगा फिर भी अगर वो जो रेटिंग कई लाख या फिर कई हजार, मतलब फॉर एग्जांपल 30 40 50 हजार लोगों के अंदर अगर एवरेज हुआ है, हमें वो वाला प्रोडक्ट चूज करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को बाय करेगा प्रोडक्ट रेटिंग वो उतना परफेक्ट होता जाएगा। तो इसलिए हमें ये चीज देखना पड़ेगा। तो एक पावर बैंक को चूज करने के लिए हमें इतने सब चीज देखना पड़ता है। तो ये सब कुछ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए टोटल 7 प्रोडक्ट चूज किया है। तो जो पहला प्रोडक्ट जिसका नाम है फ्लिक्स या फिर बीटल ब्रांड की तरफ से, और ये जो बीटल ब्रांड है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है, ये जनरली नेटवर्किंग मतलब जो डोंगल ये सब चीजें प्रोवाइड करता है। तो इसका नाम है फ्लिक्स बीटल अल्ट्रा चार्ज पावर बैंक जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है। ये जो प्रोडक्ट दिखने में एक्जैक्टली ऐसा है, जैसे कि देख सकते हैं इसमें आपको एलईडी नोटिफिकेशन लाइट मिलेगा, इसका कैपेसिटी है 20000mAh, ये दूसरे प्रोडक्ट को या फिर खुद को 22.5W चार्जिंग कैपेसिटी में चार्ज कर सकता है, इसका ओवरऑल वेट है 300 ग्राम, इसमें आपको मिलेगा 2 इनपुट पोर्ट 2 आउटपुट पोर्ट, इसका जो 2 इनपुट पोर्ट उसमें से एक है यूएसबी टाइप सी दूसरे माइक्रो यूएसबी, इसका रेटिंग है 3.8 out of 5 लेकिन कई हजार लोगों के अंदर, और इसमें आपको 12 लेयर चिप प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। और अमेज़न से अगर आप अभी लेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा 990 रुपीज पे, जो कि मेरे ख्याल से काफी बढ़िया पावर बैंक है। इसके बाद हमारे इस लिस्ट का दूसरा प्रोडक्ट है अर्बन अल्ट्रा कॉम्पैक्ट, और ये जो अर्बन वाले जो ब्रांड इसके बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है ऐसे एक्सेसरीज
मार्केट पे। तो ये जो प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे मिलेगा, अभी इसका प्राइस है 999 रुपीज पे। इसका कैपेसिटी 20,000 एमएच। ये खुद को या फिर बाकी प्रोडक्ट को चार्ज करता है 12 वाट स्पीड पे। इसका वेट है 287 ग्राम। इसमें आपको मिलेगा दो इनपुट पोर्ट, दो आउटपुट पोर्ट। जो इनपुट पोर्ट वो एक्चुअली यूएसबी टाइप सी और माइक्रो एसबी। इसका रेटिंग है 3.9 out of 5। और इसमें आपको टोटल 5 लेयर चिप प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। और ये जो प्रोडक्ट वो एक्चुअली अमेज़न रिकमेंडेड प्रोडक्ट में से एक है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट उसका नाम है पीट्रॉन डायनामो सर्ज। इस ब्रांड के बारे में आपको मालूम ही होगा, ये जो ब्रांड स्मार्टफोन एक्सेसरीज बनाने में एक्सपर्ट है। तो इसका अभी अमेज़न पे प्राइस है 1100 रुपए। जब सेल शुरू होगा होपफुली इसका प्राइस 1000 के नीचे आ जाएगा। डिजाइन आप देख सकते हैं एक्जैक्टली ऐसा। इसमें आपको प्रॉपर एलईडी नोटिफिकेशन मिलेगा। इस पावर बैंक का चार्जिंग कैपेसिटी है 20,000 एमएच, जो कि 22.5 वाट स्पीड पे खुद को या फिर बाकी प्रोडक्ट को चार्ज दे पाएगा। इसका ओवरऑल वेट है 407 ग्राम। इसमें आपको मिलेगा एक इनपुट पोर्ट, दो आउटपुट पोर्ट। जो एक इनपुट पोर्ट वो एक्चुअली यूएसबी टाइप सी। इसका रेटिंग है 4.3 out of 5। और इसका जो रेटिंग वो कई हजार लोगों ने दिया है। और इसमें आपको मिलेगा 5 लेयर चिप प्रोटेक्शन। और इसमें मैं एक और चीज भी मेंशन कर देना चाहूंगा, ये एक्चुअली हमारे इस पूरी लिस्ट के अंदर वन एंड ओनली ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें रेटिंग सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा लोगों ने बाय किया है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है कॉलमेट की तरफ से, अमेजोन पे अवेलेबल है। दिखने में आप देख सकते हैं एक्जैक्टली ऐसा। और इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि इसमें आपको जो चार्जिंग पोर्ट वो आपको पावर बैंक के साथ ही मिलता है। इसका कैपेसिटी है 20,000 एमएच। ये दूसरे प्रोडक्ट को मैक्सिमम 15 वाट स्पीड पे चार्ज कर सकता है। इसका वेट है 380 ग्राम। और जैसे मैंने कहा, इसका मेन सेलिंग पॉइंट है इसका पोर्ट्स, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 3 इनपुट पोर्ट, 4 आउटपुट पोर्ट। और इसके अंदर जो आउटपुट पोर्ट वो एक्चुअली है यूएसबी टाइप सी, माइक्रो एसबी और लाइटनिंग पोर्ट। मतलब लाइटनिंग पोर्ट वाले मार्केट का वन एंड ओनली ऑप्शन है। इसका रेटिंग है 3.3 out of 5। और इसमें आपको मिलेगा 6 लेयर चिप प्रोटेक्शन। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट इसका नाम है अमेजोन बेसिस की तरफ से, मतलब अमेजोन का खुद का प्रोडक्ट है। इसका प्राइस है एक्जैक्टली 999 रुपीज। इसका भी कैपेसिटी है 20,000 एमएच। इसका चार्जिंग कैपेसिटी है 22.5 वाट। इसका वेट है 394 ग्राम। इसमें आपको मिलेगा दो इनपुट पोर्ट, दो आउटपुट पोर्ट, जो कि यूएसबी टाइप सी और माइक्रो एसबी। इसका रेटिंग है 4.2 out of 5। और इसमें आपको मिलेगा 6 लेयर चिप प्रोटेक्शन। इसके बाद हमारे इस लिस्ट का नेक्स्ट प्रोडक्ट है पोट्रॉनिक्स लक्स सेल B20K वाला प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट का मेन सेलिंग पॉइंट है कि इसका जो एलईडी स्क्रीन वो टोटली डिजिटल स्क्रीन है। और इसमें आपको परफेक्ट बैटरी परसेंटेज दिखाएगा। तो इसका साइज है 20,000 एमएच, जो कि 22.5 वाट के चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसका ओवरऑल वेट है 300 ग्राम। इसमें आपको मिलेगा एक इनपुट पोर्ट, एक आउटपुट पोर्ट, जो कि यूएसबी टाइप सी पोर्ट। इसका रेटिंग है 4.1 out of 5। और इसमें आपको मिलेगा 6 लेयर चिप प्रोटेक्शन। इसके बाद हमारे इस लिस्ट का नेक्स्ट प्रोडक्ट है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई की तरफ से, जिसका अभी करेंटली फ्लिपकार्ट में प्राइस है 999 रुपीज। प्रोबेबली जब सेल शुरू होगा इसका प्राइस और भी कम हो जाएगा। इसका कैपेसिटी है 20,000 एमएच, जो कि सपोर्ट करता है 22.5 वाट के चार्जिंग को। इसका वेट है 335 ग्राम। इसमें आपको मिलेगा दो इनपुट पोर्ट, दो आउटपुट पोर्ट, जिसमें आपको यूएसबी टाइप सी और माइक्रो एसबी दोनों ही मिलेगा। इसका रेटिंग है 3.7 out of 5। इसमें आपको मिलेगा 4 लेयर चिप प्रोटेक्शन। और इसके बाद हमारे इस लिस्ट का आखिरी प्रोडक्ट है इंटेक्स की तरफ से आने वाला पावर बैंक। इसमें भी आपको बाकी सभी प्रोडक्ट के जैसा एलईडी नोटिफिकेशन लाइट मिलेगा, जिसका प्राइस है एक्जैक्टली 999। इसका कैपेसिटी है 20,000 एमएच। इसमें भी आपको 22 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। इसका ओवरऑल वेट है 396 ग्राम। इसमें आपको मिलेगा एक इनपुट पोर्ट, दो आउटपुट पोर्ट। जो इनपुट पोर्ट वो आपको मिलेगा यूएसबी टाइप सी। इसका रेटिंग है 3.7 out of 5। और इसमें आपको मिलेगा 4 लेयर चिप प्रोटेक्शन। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा, हर एक प्रोडक्ट का प्रॉपर बाइंग लिंक मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उधर से आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट जरूर बताने कि आपको सभी प्रोडक्ट के अंदर कौन सा सबसे बढ़िया लगा, या फिर आप कौन सा लेना चाहेंगे। और फ्यूचर में, मतलब इस सेल के दौरान, आप ऐसे कौन सा एक्सेसरीज रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में मुझे जरूर बताना। और हाँ, एक और सवाल, जब भी मैं ऐसे एक्सेसरीज रिलेटेड प्रोडक्ट या फिर कोई स्मार्टफोन का वीडियो बनाता हूँ, आप में से ज्यादा लोग मुझे कहते हैं ये जो वॉच कौन से ब्रांड का है, या फिर इस वीडियो पे मैंने जो पावर बैंक इस्तेमाल किया जिसका मैंने कोई प्रमोशन तो नहीं किया, लेकिन ये कौन ब्रांड की तरफ से। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है एक्चुअली Xiaomi की तरफ से, जिसका कैपेसिटी है 30,000 एमएच। मैं ये जो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट पिछले 2 या 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं। ये जो प्रोडक्ट जब इंडिया पे लॉन्च हुआ था, मैंने तभी से ले लिया था। इसका प्राइस मेरे ख्याल से था 2000 से लेके 2200 के आसपास। और ये जो प्रोडक्ट मैंने लगातार इस्तेमाल किया, मतलब जब भी मैं घर से बाहर जाता हूं, ये प्रोडक्ट हमेशा मेरे पास रहता है। इसका जो चार्जिंग कैपेसिटी एकदम परफेक्ट है, मतलब मुझे अभी तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इसमें जो चार्जिंग कैपेसिटी वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। और इस प्रोडक्ट का एक
ऊपर खासियत है सेल्फ प्रोटेक्शन, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट इतना ज्यादा भारी है क्योंकि अगर मैं किसी को फेंक के मारूंगा एग्जैक्टली ईंट के जैसा काम आएगा। तो इसलिए अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो मैं इसका भी लिंक कोशिश करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देने का। तो मिलते अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।